छोटी दीपावली की पूजा का सही विधि विधान लेकर हम हाजिर हैं अपने इस शो में विधि विधान छोटी दीपावली का। और मेरे साथ यहाँ पर पंडित राजकुमार शास्त्री जी स्टूडियो में मौजूद हैं। राजकुमार शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम चाहेंगे कि एक सवाल हम बचपन से बनाते आ रहे हैं, छोटी दिवाली। हमें लगता था कि स्कूल में छुट्टी मिलती है कि भाई बड़ी दिवाली छोटी दिवाली, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि छोटी दीपावली का एक अलग ही महत्व होता है। तो क्या है ये छोटी दीपावली? जी देखिए पिनाश, बहुत ठीक बात आपने पूछी है। वास्तविक रूप से बात यह है कि दीपावली का जो त्यौहार है ये 5 दिन का त्यौहार होता है। धन त्रयोदशी से आरंभ होता है, दूसरे दिन के जो पूजा है, क्योंकि दीपावली की 5 दिन की पूजा है। पहले दिन कुबेर का पूजन आपने किया और साथ में धन्वंतरी जी का पूजन किया। दूसरे दिन की जो पूजा है इसमें भगवान गणेश, हनुमान जी, भगवान श्री कृष्ण और उनके साथ में यम देवता का पूजन किया जाता है। देखिए हमेशा इस बात को याद रखिए कि जो नरक चतुर्दशी का पूजन है, जिसको हम छोटी दीपावली कहते हैं, यह स्वास्थ्य में सुधार के लिए है, सौंदर्य की वृद्धि के लिए है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पितृदोष है, जो मनुष्य को बहुत संघर्ष कराता है, उस पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए। और क्योंकि भगवान ने इसी दिन चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक एक दैत्य था, उस दैत्य का भगवान श्री कृष्ण ने वध किया और उसको मुक्ति प्रदान किया, इसी कारण से इस चतुर्दशी का नाम है नरक चतुर्दशी। नरक का मतलब यहाँ पर यमलोक से भी है और यहाँ पर नरकासुर नामक एक दैत्य है जिसका वध भगवान ने किया, उससे भी संबंधित है। तो यह जो अनुष्ठान है, जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि दीपावली के 5 दिनों की पूजा में दूसरे दिन की पूजा है। ये समझ नहीं आता कि भाई लक्ष्मी को प्रसन्न करने से पहले यम को पूज रहे हैं। जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि मृत्यु के बाद उसे सदगति की प्राप्ति होनी चाहिए और उसे यम लोक की यात्राएं ना भोगनी पड़े, इसलिए यम देवता का पूजन करना नितांत आवश्यक होता है। इसलिए जो लक्ष्मी के पुत्र हैं स्वयं भगवान यम देवता, क्योंकि माता लक्ष्मी तो जगत माता हैं, इसलिए जगन माता उनको कहा जाता है, तो इस कारण से यम देवता का पूजन करने से, पुत्र का सम्मान करने से लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं। और साथ में मनुष्य को यम देवता का पूजन करने से नरक की यात्राओं से छुटकारा मिलता है। यम देवता प्रसन्न होकर के नरक की यात्राएं नहीं देते। हमारे शास्त्रों में 21 नरकों का बहुत विस्तार से वर्णन मिलता है और यम देवता का पूजन करके मनुष्य अपने कर्मों का प्रायश्चित कर लेता है। चलिए, तो बहुत खूब रहा कि शायद हम इस बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि छोटी दीपावली के दिन, नरक चतुर्दशी के दिन, अगर आप पूजा करते हैं सही विधि विधान से, तो आपके जो बुरे कर्म है, हो सकता है पिछले जन्म के, उनकी वजह से अगर आपको लक्ष्मी पाने में बाधा आ रही है तो उससे मुक्ति मिलेगी, पितृ दोष से मुक्ति मिलेगी, सेहत का लाभ होगा, नरक में भोगने वाली यातनाओं में कमी आएगी। तो यानी कि आप तमाम तरह के पापों से मुक्ति पा सकते हैं, अपनी लंबी उम्र, सौंदर्य भी पा सकते हैं और माँ लक्ष्मी को भी प्रसन्न कर सकते हैं। तो बड़ी दीपावली जितनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है छोटी दीपावली और इसका पूजन, तो पूजन का सही मुहूर्त क्या होगा? जी देखिए, सभी का पूजन का हमारे कर्मकांड में मुहूर्त का अपना एक विशेष महत्व होता है। दीपदान करना है, हनुमान जी का पूजन करना है और मुक्ति को देने वाले भगवान श्री हरि नारायण कहें या कृष्ण कहें, एक ही बात है, भगवान कृष्ण या श्री हरि नारायण का पूजन करना है। और इसी समय में आपने यम देवता के लिए दीप दान करना है। इतना करने से यम देवता भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी की कृपा आपको मिलेगी और साथ में माता लक्ष्मी का परिभ्रमण काल तो चलता ही है। अब मुझे ये बताइए कि सामग्री क्या क्या होनी चाहिए अगर मुझे नरक चतुर्दशी का पूजन करना है, यम देवता को प्रसन्न करना है। जी देखिए पिनास, आपको बताता हूँ कि ये जिस प्रकार आपके सामने हमने यहाँ पर एक कलश की स्थापना किया है और इस कलश के ऊपर आप देख रहे हैं कि 4 मुख वाला दिया जला हुआ है जो कि चारों दिशाओं को प्रकाशित कर रहा है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हे परमात्मा, हे ईश्वर, मुझे अज्ञान रूपी अंधकार से छुड़ाकर ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चलो। तो इस प्रकार से एक कलश की स्थापना करनी है, कलश के ऊपर आम्र पल्लव लगाना है और उसके ऊपर इसी 4 मुख वाला जो है दिया आपने जलाना है। और इस कलश के नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, ये हरी मूंग है जो कि कलश के नीचे इसको रखा जाता है और यह समृद्धि का प्रतीक है। कलश के नीचे जिस प्रकार हमने हरी मूंग रखा है, हमारा घर भी इसी प्रकार से हरा भरा हमेशा बना रहे, हमारा परिवार हरा भरा बना रहे, इसी कारण से ये हम
कलश के नीचे हरी मूंग जो है इसकी स्थापना करते हैं। सभी पूजा में जो प्रयोग होता है अत्यंत महत्वपूर्ण है ये कुमकुम, ये भगवान कृष्ण की पूजा में भी यम देवता की पूजन में भी प्रयोग होता है। अच्छा ये बताइए, ये आपने जो दिए रखे हुए हैं तो कितने दिए, मतलब हमें यहाँ पर पूजा में कितने दीपों का दान देना है या कितने दीप रखने हैं? जी देखिए, अपनी स्वेच्छानुसार अपने घर के मंदिर में आपने शुद्ध घी का दिया जलाना है, लेकिन जो यम राज के लिए दीपक आपने जलाना है वो इसी प्रकार से चार मुख वाला दिया जलाना है। ये तेल का होगा? ये तेल का होगा, तिल, हाँ तिल के तेल का दिया जलेगा, क्योंकि तिल के तेल का दिया जलाने से पितृ दोषों से छुटकारा मिलता है। पितरों के लिए देवताओं की पूजा में जौ का प्रयोग होता है और पितरों की पूजा में काले तिल का प्रयोग होता है। तो तिल के तेल का दिया नरक चतुर्दशी के दिन जलेगा? बिल्कुल, मैं आपको आगे विधि में बताऊंगा कि तिल के तेल को लगा करके और मालिश भी की जाती है उस दिन, काले तिल को पानी में मिला करके स्नान भी किया जाता है। चलिए, तो मैं आगे आपको विधि में बताऊंगा। कुछ हमें चाहिए? हाँ बिल्कुल, देखिए इस प्रकार से आपके सामने ऋतु फल रखे हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि यह मिष्ठान जो कि पूजा का सर्वोपरि अंग है, चाहे वो हनुमान जी की पूजा भी इस दिन विशेष रूप से होती है, यम देवता का पूजन भी होता है, और आपको पता ही है कि हनुमान जी को तो लड्डू बहुत प्रिय है, तो लड्डू का प्रसाद जो है हनुमान जी को चढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार से ये रक्षा सूत्र है, और गंगा जल जो सभी पापों को नष्ट करने वाला है, शास्त्र में लिखा है कि अगर 1,000 योजन दूर बैठा हुआ व्यक्ति भी गंगा गंगेत यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। 1,000 योजन दूर बैठा हुआ व्यक्ति भी अगर गंगा गंगा ऐसा स्मरण करता है या अपने घर के मंदिर में गंगा जली रख करके उसका प्रतिदिन दर्शन और पूजन करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। चलिए, तो सामग्री हमारी पूरी हो गई है, ये सारी पूजा की सामग्री। चलिए, तो बहुत ज्यादा सामग्री नरक चतुर्दशी की पूजा अर्चना में नहीं चाहिए, बहुत छोटी छोटी चीजों से ही प्रसन्न हो जाएंगे यम देवता और माँ लक्ष्मी की भी कृपा बरसेगी आप पर। अब विधि विधान हमें बताइए। जी देखिए, सबसे बहुत महत्वपूर्ण है जो आपने बात करी कि नरक चतुर्दशी की पूजा का पूरा विधि विधान क्या है, ये जानना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले मैं आपको बतलाता हूँ कि सर्वप्रथम आपने ये ध्यान रखना है कि सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करना है। स्नान 3 प्रकार के होते हैं, दैवी स्नान, ऋषि स्नान और मानुषी स्नान। सूर्योदय से पहले किया हुआ स्नान दैवी और ऋषि स्नान कहलाता है। और स्नान कैसे करना है कि जल में काले तिल मिला करके स्नान करना है। एक बात को ध्यान रखें, कहीं आपके मन में शंका ना आ जाए, क्योंकि कार्तिक के महीने में तेल की मालिश करना बिल्कुल निषिद्ध है। कार्तिक के महीने में कभी तेल नहीं लगाना चाहिए, लेकिन नरक चतुर्दशी के दिन आप तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है, बल्कि उसका लाभ है, पितृदोष से छुटकारा मिलता है। इस दिन तिल के तेल में लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए तिल मिला करके स्नान करना है। इसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ देना है। ये सब कुछ करने के बाद आपने मंदिर में जाना है और मंदिर में जा करके भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण मुक्ति को देने वाले देवता हैं, तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना इस पूजा में बहुत आवश्यक है। और तुलसी मंजरी की माला बना करके भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करना है। और सबसे बड़ी बात है, जो मंत्र का आपने जाप करना है नरक चतुर्दशी के दिन, वह है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह 12 अक्षरों का मंत्र है, 12 अक्षर मंत्र वर जपहि सहित अनुराग, तुलसीदास पद पंकरु दंपति मन अतिलाग। 12 अक्षर का मंत्र है। फिर से आप मंत्र अगर हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये बड़ा ही पवित्र मंत्र है और इस मंत्र का उपदेश स्वयं देवर्षि नारद जी ने ध्रुव जी को दिया था, और वह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप, इस 12 अक्षर के मंत्र का जाप 12 माला आपने करना है, संभव हो सके तो तुलसी की माला का प्रयोग करें। अब इसके पश्चात आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है और सुंदर कांड का पाठ करना है, लेकिन सुंदर कांड का पाठ उच्च स्वर में करना है, केवल मन ही मन में नहीं करना, उच्च स्वर में सुंदर कांड का पाठ करना है। और सूर्यास्त के उपरांत ये सबसे मुख्य काम है कि घर के दक्षिण दिशा में आपने ये दीप दान करना है, लेकिन दीप दान जो आपने ये करना है दक्षिण दिशा में करना है, और घर की देहली के दरवाजे के मुख्य दरवाजे के बाहर करना है, और उस समय उसका जो दीपक का की जो लौ है, वो जो बत्ती है,
वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा में यम देवता का वास होता है। पूरा विधि विधान हमने जान लिया है कि नरक चतुर्दशी के दिन आपके समस्त कष्टों से आपको कैसे मुक्ति मिलेगी, आपके पुराने कर्म जो हैं, पिछले जन्म के अगर कुछ बुरे कर्म हैं जिसकी वजह से इस जन्म में आपको लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो छोटी दीपावली नरक चतुर्दशी के दिन इस विधि विधान से पूजा अर्चना करेंगे तो स्वास्थ्य लाभ होगा, सौंदर्य लाभ होगा, पितृदोष से मुक्ति मिलेगी, पिछले जन्म के जो पाप हैं उनसे भी मुक्ति मिलेगी और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी यम देवता की पूजा से। हमारे जो हिंदू धर्म के त्योहार हैं उनके पीछे कोई ना कोई कहानी छिपी हुई है, कोई एक पुरानी परंपरा छिपी हुई है, कथा कोई छिपी हुई है, तो कथा जानना भी बेहद दिलचस्प है। इससे आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और आपको पता भी चलेगा कि भाई आखिर हम ये त्योहार मना क्यों रहे हैं। मैं चाहूंगी आप इसकी कथा जो है नरक चतुर्दशी की वो हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। जी बिल्कुल पिनाश, देखिए हमारा जितना भी धर्म शास्त्र है ये वेदांत है और साधारण व्यक्तियों के समझ में वेदांत नहीं आता, इसलिए हमारे ऋषियों ने दृष्टांत दे करके और उस त्यौहार के महत्व को समझाने का प्रयास किया, उसी को हम कथा के माध्यम से जानते हैं। तो मैं आपको बतलाऊँ कि नरक चतुर्दशी की वास्तविक रूप से कथा क्या है। पुराणों में यह कथा आती है, पद्म पुराण में भी आती है, स्कंद पुराण में कथा आती है कि प्रजापालन में लीन एक रंती देव नाम के राजा हैं। राजा बड़े ही शांत स्वभाव के थे और अत्यंत पुण्य आत्मा थे और अत्यंत विनम्र थे, प्रजा का अपने पुत्रवत पालन करते थे। एक दिन उनकी मृत्यु का समय भी आया, जिस प्रकार सभी के जीवन में आता है, और यमदूत उन्हें लेकर के यमलोक पहुँचे। राजा रंतिदेव ने धर्मराज से पूछा, यमलोक में जाकर धर्मराज से पूछा, मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया, फिर मुझे यमलोक क्यों आना पड़ा? यमराज ने कहा, राजन सुनिए, एक बार अज्ञानवश आपके राजमहल के द्वार से एक भूखा ब्राह्मण वापस चला गया था, इसी कारण आपको नरक में आना पड़ा। राजा रंतिदेव ने यमदेव से कहा कि अगर आप अन्यथा ना समझें तो कुछ समय आप मुझे और दे दीजिए, पुण्य कार्य करने के लिए दे दीजिए। और राजा रंतिदेव की बात यमराज ने देखा कि सकारात्मक सोच है और पुण्य कार्य करना चाहते हैं, इसलिए यम देवता ने राजा रंतिदेव को एक वर्ष का पूरा समय दे दिया। धर्म कार्य हेतु संकल्प उत्तम है, इसलिए एक वर्ष का समय दे दिया जी। और राजा रंतिदेव यम लोक से चल करके पृथ्वी लोक में आए, आकर के सीधे अपने गुरु जी के पास गए और गुरु जी से कहा कि गुरु जी, यम बाधा छुड़ाने के लिए, यम लोक यम पाश से मुक्ति पाने के लिए और यम यात्रा से मुक्ति पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? गुरु जी ने कहा, राजन आपने एक ब्राह्मण का अपमान किया है, इस कारण से आपके एक ब्राह्मण दरवाजे से भूखा वापस चला गया है, इसलिए राजन आपको 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। राजा रंतिदेव ने गुरु जी की आज्ञा मांगनी और गुरु जी की आज्ञा मान करके 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराया, उनके चरणों में प्रणाम करके जो पहले अपराध हो चुका था उसके लिए क्षमा याचना किया, पहले पाप हुआ फिर पश्चाताप हुआ जी। उनको क्षमा याचना किया उनसे और उनके चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद लिया। और पिनाश मैं आपको बतला दूं कि ब्राह्मणों के आशीर्वाद के प्रभाव से राजा रंतिदेव पुनः यमलोक नहीं गए बल्कि भगवान के और विमान पर आरूढ़ होकर के स्वर्ग लोक को चले गए। और अब वक्त आ गया है कार्यक्रम के उस हिस्से का जिसमें ये जानना बेहद जरूरी है कि क्या करना चाहिए इस दिन और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जी आचार्य जी, नरक चतुर्दशी के दिन स्नान से पहले एक घिया ले लें, लौकी जिसको कहते हैं, इस लौकी को ले लें और चिड़चिड़ा जिसको अपामार्ग कहते हैं, इस अपामार्ग को ले लें और पूरे शरीर में इसका स्पर्श करें और पूरे शरीर में अपने चारों तरफ, शरीर के चारों तरफ 7 बार इसको उतारा करके और अपने घर के दक्षिण दिशा में इसका विसर्जन कर देना चाहिए। ऐसा करने से जितने हमारे शरीर के द्वारा किए गए पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अपने घर और व्यवसाय स्थान में तिल के तेल का अगर आप नरक चतुर्दशी के दिन दिया जलाएंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके घर में लक्ष्मी का वास ना हो, बिल्कुल शर्तियत उपाय है। इसलिए भूल करके भी ऐसा ना करें कि नरक चतुर्दशी निकल जाए और आप दिया ना जलाएं। जो भी आपके घर में आए, मार्ग में मिले, अपने मन से, वचन से, कर्म से किसी का अपमान नहीं करना है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है
किसी प्रकार क्रोध नहीं करना है, संभव हो सके तो 5 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करें, भूमि पर शयन करें, ये सारी चीजों को आपने ध्यान रखना है। चलिए, तो ये तमाम चीजें हमने जान ली कि क्या करना है नरक चतुर्दशी के दिन, क्या नहीं करना है, कैसे पूजा करनी है और क्या पूरा विधि विधान होगा। पंडित जी, आप स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को छोटी दीपावली यानी नरक चतुर्दशी की कथा सुनाई, इसके महत्व को बताया, इसकी पूजा के विधि विधान को बताया और निश्चय ही हमारे जो दर्शक हैं उन्हें इसका लाभ जरूर मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें थी जो हम भी नहीं जानते थे कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो पहले अपने कर्म ठीक करने हैं, कर्म ठीक करने हैं तो छोटी दीपावली के दिन सबसे पहले आपको यम देवता का आशीर्वाद चाहिए। तो आप भी ये बताई गई पूजा अपने घर पर छोटी दीपावली के दिन जरूर करें और सुख समृद्धि पाएं, पितृदोष से मुक्ति पाएं और नरक से भी मुक्ति पाएं। इसी कामना के साथ हमारे इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही।